हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज की रेसिपी है एग मैगी की रेसिपी। मुझे बहुत दिनों से एग मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना एग मैगी बनाया जाए और ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए जानते हैं मेरी रेसिपी एग मैगी की। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को किया गर्म, मैंने डाला सरसों तेल और मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्च डाला। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतनी मिर्च डालो। फिर मैंने एक बारीक काट के प्याज डाला, उसे मैंने किया लाल। फिर उसके बाद मैंने आधे मतलब थोड़े से मैंने शिमला मिर्च छोटे छोटे पीसेज में कट करके रखे थे और उसे मैंने डाल के उसे भी कुछ देर तक मैंने लाल किया। फिर मैंने डाले एक गाजर, उसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट के और यहाँ मैंने डाला और फिर एक से दो मिनट तक भुना। फिर मैंने यहाँ पर डाला बीन्स और बीन्स को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के यहाँ पे डाला। फिर मैंने यहाँ पे डाला थोड़े से टमाटर छोटे छोटे पीसेस में काट के। फिर मैंने इसे भी थोड़ी देर भून के सॉफ्ट किया। फिर मैंने यहाँ पे डाला थोड़ी सी मटर, आपको अगर मटर पसंद है तो डालो, नहीं पसंद है तो ना डालो। मैंने थोड़े से मटर डाला और इसे कुछ देर तक भून के इसे ढक के सॉफ्ट होने, यानी जो सब्जियाँ मैंने डाली है ना उसे हमें यहाँ पे पकने देना है। जब सब्जियाँ पक जाएगी तो मैंने यहाँ पे एक अंडा डाला, क्योंकि मैं एक हूँ तो एक ही अंडा डालूँगी। अगर आप दो तीन चार जितने लोगों के लिए बना रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग क्वान्टिटी में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अंडे को डालकर कुछ देर तक भुना। फिर मैंने डाला नमक, हल्दी, जितने भी बेसिक मसाले होते हैं ना घर के मैंने यहाँ पर डाला। गर्म मसाला भी मैंने यहाँ पर डाला और थोड़े थोड़े डाला, ज़्यादा नहीं डालना इसमें क्योंकि मैगी मसाला भी इसमें जाता है। तो थोड़े थोड़े मसाले डालने हैं और इसे कुछ देर तक भुनने हैं। मैंने मैगी को अलग से बॉयल करके रखा था और साइड में उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब मेरी सब्जी अंडे सब कुछ पक गए थे तो मैंने बॉयल किया हुआ मैगी यहाँ पर डाला और मैंने यहाँ पर कुछ देर तक मैगी को भुना। यहाँ मेरी जो रेसिपी है एग मैगी की, इसमें मेरा ये सीक्रेट है ना कि जब मैं मैगी भूनती हूँ तो जो हाफ मसाला होता है हाफ मसाला डालती हूँ और इसे ढक के पकाती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे मैंने दो मसाले डाले थे तो फिर उसके बाद मैंने एक मसाले को डाला, फिर कुछ देर तक चला के मैंने इसे ढक के पकाया। फिर मैंने जब इस गैस ऑफ़ करना हो ना तो गैस ऑफ़ करने के एक मिनट पहले आप मैगी मसाला डाल के मिक्स करके धनिया पत्ता डाल के इसे मिक्स करके आप सर्व करना, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। यानी हाफ आप पहले डाल दो, हाफ जब गैस ऑफ करो तब मसाले डालो। आपको देखो आप देखो एक मैगी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आपको कैसी लगी मेरी ये मैगी की रेसिपी आप मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और इस रेसिपी को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलना। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।